और भी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल वाले आइकन को प्रेस करें ताकि और भी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि आज जो विशेष तौर से पदभार समारोह का कार्यक्रम जो रखा है और उसमें मैं मेरी बात को ज्यादा न कहते हुए, लेकिन पिछले इस कांग्रेस सरकार की जो कूटनीति और जो ये बौखलाने वाली सरकार कांग्रेस की पॉलिसी को लेकर इस जनता ने जो ये निर्णय जो लिया है, मैं जनता को पूर्ण मेरी ओर से सत सत नमन करता हूँ, इस क्षेत्र की जनता की ओर से। रही बात है, इन्होंने जो वादे जो किए थे आपकी सरकार के घोषणा पत्र के अंदर, और उस घोषणा पत्र के अंदर 2.5 साल के 2 साल के कार्यकाल में एक भी काम करके इन्होंने नहीं बताया। इसीलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके जनता के बीच में जाके उनकी बातों को जाके रखा कि भाई कांग्रेस का एक भी काम हो तो आप हमें बताया, ताकि हम जनता के बीच में आपका एक कहने का अवसर मिले। इनके कहने के लिए कुछ है बन के लड्डू जो बड़े बड़े उन्होंने बताए, लेकिन धरातल पे एक भी काम नहीं किया। इसलिए इस जनता ने, सिरोही की जनता ने इतना अच्छा काम जो किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और अब मैं यहाँ के हमारे सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे सहयोगी, मेरे सहयोगी जो यहाँ पे सामने पंडाल में और मंच पर विराजमान है, आप सबसे भी मैं, क्योंकि आज का ये पदभार का कार्यक्रम है, लेकिन एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जनता ने जो अपने पे विश्वास किया है, इस विश्वास को कायम करने के लिए अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाए, ताकि आने वाले समय में 2 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरे सिरोही जिले में और जोधपुर संभाग के अंदर एक फतवा ले रहे, ऐसी आप सबसे मैं उम्मीद और कामना करता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर मैं मेरी बात को ज्यादा न कहते हुए हमारे सभी जिले के सभी कर्णधार जो कार्यकर्ता और पार्टी के जो पदाधिकारी है, उनको मेरी ओर से कोटि कोटि आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पार्टी हमने निर्णय लिया, हमारे संगठन ने निर्णय लिया कि जिला परिषद का जो बनेगा चेयरमैन हमारा बनेगा, और बना दिया। फिर आई उपप्रमुख की बारी, संगठन ने कहा दिलीप सिंह तुम बन, मैंने कहा नहीं, किसी और को मौका दो। फिर कहा लुम्बा रामजी को, तू बन, नहीं, लुम्बा रामजी ने कहा नहीं कि किसी और को दो। हमारे यहाँ 9 महिलाएं जीत के आई, 8 पुरुष जीत के आए। धन्यवाद दूंगा नारायण जी को कि महिला शक्ति का सम्मान करते हुए उप जिला प्रमुख मेरी बेटी को दिया, इसके लिए मैं उनको नमन करता हूँ। यह त्याग की भावना, मरते हैं सारे कुर्सी के लिए, उपदान जी के लिए, सरपंच जी के लिए, और हम ठोकर मारते हैं, पद को ठोकर मारते हैं। हमारी पार्टी अगर जिंदा है तो हम जिंदा है। हम सारे विकास के काम बताए हम करेंगे। हम जब जिला परिषद में गए, जो सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनके मुंह पे खुशी का माहौल था। जिस आतंक के माहौल में जी रहे थे, उसे निजात पाने का काम पार्टी जनता पार्टी ने किया। यह है हमारा चार चरित्र नैतिकता है। हम पद त्यागते हैं, हम मौका देते हैं। आजादी के बाद सबसे पहले गृहस्थी का सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी मेरे जिला अध्यक्ष ने किया, और हमने मनीषा मीणा को उप जिला प्रमुख बना के चुना। वो भी हमने उपहार में शिविर में दिया, ताकि हमारे विधायक जी उनको देखे कि क्या होता है। प्रधान भी बनाए हमने पहली बार, उप प्रधान भी बनाए हमने पहली बार, प्रजापति समाज से बनाया, रबारी समाज से बनाया, हर जाति से बनाया। राजनीति नहीं कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं। अरे भारत माता की। मैं इस पार्टी में करीब 18 साल से हूं, मैं नमन करता हूं इस पार्टी को, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो त्याग की भावना हमारे सभी कार्यकर्ताओं में कूट कूट कर भरी है, उनको मैं नमन करता हूं। और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जो काम हुआ वो सराहनीय हुआ है, पूरे जिले का नाम हुआ है, राजस्थान में नाम हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।